तो सपा और बसपा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ पहले दिन से, क्योंकि मैंने सपा की राजनीति भी नजदीकी से देखी है और बसपा की राजनीति भी नजदीक से देखी है। बसपा जीतने के बाद में, हारने के बाद में जीती है। बसपा चुनाव हारी लेकिन दिलों में थी, तो आजमगढ़ उपचुनाव में 29% हुआ 13% से। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही। उसके बाद में भी जो घमासान उसके घर में बसा हुआ है, वो अपने घर को नहीं बचा पा रहे। इतना बड़ा कुनबा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इतना बड़ा परिवार उन लोगों ने बना लिया कि उसके बाद में वो परिवार को रखाना भारी पड़ रहा है, और यही समाजवादी पार्टी के नुकसान का बड़ा कारण है। अब आप छोटी सी बात समझिए कि चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, खास दल, ये दल, वो दल, 25 दल के लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा। उसके बाद में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने, 120-122 तक पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी ने कहा नहीं, अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हारे चाहे जीते। उनका भी हाल आपको पता है, विधायक उनका एक आया लेकिन वोट उनके पास भी लगभग 12-12% है, उनके पास में 30-32% है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में जो हाल शिवपाल का हुआ, जो पाल राजभर का हुआ, जो हाल अन्य किसी और दूसरे नेताओं का हुआ, तो इससे खास स्पष्ट है कि देश के अंदर जो लड़ाई है वो विचारधारा की है। आप समझेंगे कि जो विचारधारा इस देश के अंदर, दो तीन विचारधारा भी महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले से बात करें तो बुद्ध की विचारधारा यानी श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। अगर हम और थोड़ा सा आगे आ जाएं तो फिर वर्तमान समय में बात कर लो तो गांधी की विचारधारा और अम्बेडकर की विचारधारा, फूले की विचारधारा। तो ये लड़ाई विचारधारा की, अगर हमको फूले अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग किसी भी राजनीतिक दल में चले जाएं, हमारा दम ही घुटेगा। हम जब तक अपने दल में लौट करके नहीं आएंगे, अपनी विचारधारा के दल में लौट करके नहीं आएंगे, तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। फोटो बाबा साहब की कोई भी लगा लो, केजरीवाल साहब की फोटो लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि भगत सिंह की और जो है वो अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे। तो क्या भगत सिंह की और अम्बेडकर की फोटो लगाने से आपकी विचारधारा अम्बेडकर और भगत सिंह हो गई? जिस भगत सिंह ने ये कहा था कि जिस भगत सिंह ने किताब लिखी मैं नास्तिक क्यों, आप पढ़िए भगत सिंह की किताब, आप भगत सिंह की किताब की मैं नास्तिक हूँ इस पर चर्चा नहीं करोगे। आपका कहने का मतलब क्या कि घर वापसी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने नकली लोग घूम रहे हैं, चाहे केजरीवाल है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे मोदी है, चाहे अन्य दूसरे लोग हैं, ये जितने लोग हैं ये नकली अम्बेडकरवादी हैं। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री ना रहने के बाद में आवाज गौमूत्र से धुलवाया जाता है, कुर्सी गौमूत्र से धुलवाई जाती है, उसके बाद भी अखिलेश यादव शंकराचार्य के चरणों में बैठा मिलता है। इसका मतलब जूते खाएंगे, पिटेंगे, मरेंगे, लेकिन रहेंगे वही, मार लो, पीट लो, यजमान यही रहने दो। तो ये जो विचारधारा, हमने तो बहन जी को कभी किसी मंदिर का उद्घाटन करते नहीं देखा, हमने तो बहन जी को कभी किसी ब्राह्मण के सामने सर उठाते नहीं देखा, हमने तो मानवर साहब काशीराम को नहीं देखा। तो मानवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती की जो विचारधारा है वो फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, और अखिलेश यादव के साथ जो लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन को छोड़ करके, यानी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके गए थे, ये वही लोग थे कि वहाँ कुछ अच्छा खोजने की कोशिश कर रहे, वो मिला नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर की भी घर वापसी हो रही है, शिवपाल यादव के साथ क्या हुआ आपको पता है, बाबूसिंह कुशवाहा के साथ में क्या हुआ आपको पता है? तो ये बात समझने वाली है कि ये जितने लोग घर वापसी पर तुले हैं ये वही लोग हैं जिनको ना तो मान मिला ना सम्मान मिला। और मान सम्मान भी छोड़ो, मान सम्मान तो उस आदमी का खुद ही नहीं है अखिलेश यादव का, तो दूसरों को कहां से करेगा, लेकिन विचार नहीं मिला। आज अगर ओपी राजभर परेशान है, ओपी राजभर जो है वो कह रहे हैं उनको आज स्वतंत्र कर दिया गया, अगर हो सकता है, मुझे जितना मुझे अंदरूनी राजनीति को मैं समझता हूँ कि हो सकता है 2-4 दिन में जो है वो ओपी राजभर बसपा ज्वाइन कर ले, बाबू सिंह कुशवाहा बसपा ज्वाइन कर ले, वो कह रहे हैं ना बसपा जिंदाबाद। नहीं, देखिए बसपा जिंदाबाद, बसपा की विचारधारा जिंदाबाद है, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना भेंगी जिंदाबाद। बसपा जिंदाबाद इसलिए है कि वो फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, वह कबीर नानक रैदास बुद्ध की विचारधारा है। भेंगी ने मुख्यमंत्री होने के बाद में ज्योतिबा फूले नगर बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर नगर बनाया, पंचशील नगर बनाया, भीम नगर बनाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, गौतम बुद्ध नगर बनाया, रामनगर तो नहीं बनाया, कृष्ण नगर तो नहीं बनाया, अयोध्या नगर तो नहीं बनाया। इसका मतलब विचारधारा का टकराव है। आज तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं साहब इलाहाबाद नहीं प्रयागराज है, क्यों? क्योंकि आज तो उनको अलीगढ़ से दिक्कत है, आज तो उन्होंने हरिगढ़ कर दिया। तो ये विचार है, वो सोच रहे हैं नहीं अलीगढ़ नहीं होना चाहिए, हरिगढ़ होना चाहिए। हम कह रहे हैं ना अलीगढ़ होना चाहिए, ना हरिगढ़ होना चाहिए, बुद्धगढ़ होना चाहिए। तो विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन ओपी राजभर ने कहा कि हिस्सेदारी नहीं मिली सपा में, पहले उन्होंने कहा बीजेपी में भी हिस्सेदारी सम्मान नहीं मिलता, तो फिर कहां मिलेगी ना हिस्सेदारी? मैं इन तमाम नेताओं से एक बात पूछ, ओपी राजभर जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ कई बार उनकी मीटिंग हुई है, मैं तमाम लोगों से एक बात कहता हूं, ओपी राजभर जी से मैं कह रहा हूं, आप वो इस वीडियो को देखें तो मुझसे हम लोग बात करें कि ओपी राजभर साहब एक बात बताओ, जब आपको बताया कि जब हमें विचार आपका नहीं है, जब सोच आपकी नहीं है, आपकी सोच की वो पार्टी नहीं, तो आपको सम्मान कैसे मिल जाएगा? अरे मैं भी जब सोच रहा था 2022 के चुनाव से पहले क्या करें, तो मुझसे भी बहुत सारे एक्टिविस्टों ने कहा कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरी भी अखिलेश यादव से दो दो तीन तीन मुलाकात हुई,
मैंने भी वहाँ पर कई नेताओं से बात की, मुझसे लोगों ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करोगे तो अगर बहुजन समाज पार्टी में जाओगे तो अकेले बहन जी के पैर छूने पड़ेंगे और अगर समाजवादी पार्टी में जाओगे तो पूरे खानदान के पैर छूने पड़ोगे। मैं कहा पैर तो हम बसपा में भी जाकर के किसी के नहीं छूएंगे, ये ध्यान रखें, हम बुद्ध की परंपरा के लोग हैं, पैर छूने में विश्वास नहीं रखते। हमने बसपा ज्वाइन की, बहन जी ने ज्वाइन कराई, ट्वीट किया बहन जी ने कि राहुल नागपाल को बसपा में स्वागत है, और उसके बाद में हमने, आपको पता है कि हमने बसपा में थे, समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ वो सबको पता है। तो देखिए विचारधारा की लड़ाई, हमने विचार को चुना, हमें पता है कि फूले अम्बेडकर विचार जो बहुजन समाज पार्टी में ये है। जो पिछड़े नेता जो निकले हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओपी राजभर हो, बाबी कुशवाहा सिंह हो, ये तमाम लोग निकलने के बाद भी कहते हैं कि अगर हिस्सेदारी कहीं मिलती है सम्मान तो बीएसपी में मिलता है। देखिए सच्चाई की बात है, ये देखिए ये वो नर्सरी है, बहुजन समाज पार्टी नर्सरी है, उस नर्सरी के पौधे हैं ये। आज अगर हम चलो समाजवादी पार्टी को हम दरकिनार कर देते, अगर हम वर्तमान समय में बीजेपी की बात कर लें, योगी की सरकार की और योगी की मंत्रिमंडल की बात कर लें, तो आप देखेंगे वहाँ पे 50% विधायक ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में थे, वहाँ पे चले गए। उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, बहुजन समाज पार्टी में थे, और हमारा इकलौता विधायक है शेर, इकलौता विधायक है, उसने कहा कि मोदी योगी जी की सरकार में जितने बैठे वो हमारी नर्सरी से गए। आज ओपी राजभर का दम घुटा है, कभी देखो कि योगी सरकार के आगे आधे विधायकों का दम ना घुट जाए। दिनेश खटीक कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और है, चलो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने दिनेश खटीक का नाम बताया कि जब तक मलाई मिलती रहती है, जब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, जब तक जय श्री राम, जब तक राधे राधे, जब तक जय श्री कृष्ण है, और जब मलाई मिलनी बंद हो जाती है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग में हिस्सा मिलना बंद हो जाता है, तो तब कहते साहब दलितों का अपमान हो रहा है। भाई ये दलितों का अपमान नहीं है दिनेश खटीक, ये तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान है, इसको दलितों के अपमान से मत जोड़ो। अगर दलितों का अपमान समझते तो आप बीजेपी में जय श्री राम नहीं कर रहे होते, जब जूते पड़ते हैं तब कहते हो साहब दलितों का अपमान। भाई दलितों का अपमान नहीं है, तुम्हारा अपमान है, राहुल नागपाल का अपमान नहीं है, राहुल नागपाल दलित है, मेरा अपमान कैसे हो जाएगा, मैं तो नहीं गया बीजेपी में। तो ये जितने लोग हैं ना, ये मैं पत्रकारों को बहुत सारे को जानता हूँ, आज तक मैं, कल तक मैं, परसों तक मैं, बहुत सारे पत्रकार काम करते थे, वहाँ जूते पड़े, वहाँ पिटे छिते छोड़ करके भागे। अब कह रहे साहब हम सोशल मीडिया चलाते, पोर्टल चलाते, पोर्टल चलाते, कहते साहब हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए हो भाई, 1 लाख रुपए तुमको ले लो, यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो, यहाँ धक्के इसलिए खा रहे हो तुम्हारी जाति का पता चल गया, जूते पड़े तो छोड़ करके भागे। अब कहते हो कि साहब जाति, अरे भैया हर आदमी को पिटने के बाद में जाति याद आती है, पिटने के बाद में कहता मैं दलित हूँ, अगर पहले ही तो दलित याद कर लेता तो पिटता नहीं, बाबा साहब को पढ़ लेता, कबीर नानक कुदरेदास को पढ़ लेता तो पिटता नहीं। तो ये जितने लोग हैं ना गजेंद्र जी, चाहे आपने जो नाम लिया दिनेश खट्टी, वो भी बेचारा समाज का, ये हमारा मंत्री बन गया तो क्या हुआ, दूसरे के झूठे में झूठी थाली में रोटी खाने के पेट थोड़ी भरता है, तो ये कुछ नहीं है। और देखो जो विचार का आदमी है, दीदी निर्देश है, आप सब लोग जानते हो सावित्रीबाई फुले पाठशाला चलाती थी, समाजवादी पार्टी जो उनकी, हमने ही मना किया था उनको, मैं कहा गलत रास्ते पर जा रहे हो, बाद में क्या हुआ छोड़ करके आ गए, छोड़ दिया ना क्योंकि विचार नहीं है ना। जो आदमी जिस विचारधारा का है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकराचार्य के कदमों में चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया हो, 47 तरह की मिठाई फल फूल लाते हैं वो, अरे साहब मैं कह रहा हूँ 100 तरीके की लाओ, लेकिन मुझे बताओ कि जब शंकराचार्य जी, जब वो क्या नाम है, देवी के नवरात्रों में अखिलेश यादव जो है अपने घर में कन्याओं को बुलाकर उनके पैर छू रहे थे, तो एक बार बुद्ध पूर्णिमा पे बुला करके भंतों को भी बुला करके भोजन दान दे देते, तो ये विचारधारा का फर्क है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि बीएसपी हारने के बाद जीती और सपा जीतने के बाद हार गई। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, एक बड़ी मजे की बात है, कभी कभी हंस भी लिया करो, मैं कहता हूँ कि हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है, हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाथी बैठ गया थोड़ा सा उसमें आरवार लगाएंगे, पकड़ के खींचेंगे, उठ जाएगा, हमें पता है, लेकिन साइकिल से कई गुना ऊंचा है, कमल से कई गुना ऊंचा है, क्योंकि ये वो बुद्ध की विचारधारा है जो 2500 साल से सारे गधे घोड़ों पर नहीं मरी। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि सारे गधे घोड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो बुद्ध की विचारधारा को खत्म कर देंगे, फूले के विचार को खत्म कर देंगे, अंबेडकर को खत्म कर देंगे? अरे जिस अंबेडकर को मरने के बाद में 70 साल तक लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ाया, 1980 तक लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ाया, 1990 तक लोगों ने अंबेडकर को क्या नाम भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस ने, और वो कह रही है कि हमने अंबेडकर को मार दिया, गांधी को जिंदा रखा। अरे वर्तमान की राजनीति देख लो भारत की, आज भारत की वर्तमान की राजनीति में गांधी गायब और अंबेडकर हावी है। ये है अंबेडकर का विचार, ये है फूले कबीर नानक रैदास और बुद्ध का विचार, जो 2500 साल में नहीं मरा इन पे, तो आप क्या समझते, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इन लोगों का अपना काम है, मैं फिर कह रहा हूँ हाथी बैठा जरूर है लेकिन गधे से ऊंचा, ये ध्यान रखना। कहा जा रहा अखिलेश यादव परिपक्व नेता नहीं है, नहीं उनके पिताजी भी परिपक्व नहीं थे, उनकी तो बात छोड़ दो, हमने तो मुलायम सिंह यादव को परिपक्व नेता नहीं माना, उन्होंने तो कई चुनाव जिताए हैं, देखिए चुनाव जिताना अलग चीज है, मान्यवर साहब धरती पुत्र का आ गया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, अगर चुनाव जीतना कोई पैमाना है तो मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब कभी कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो मरने के बाद भी बाबा साहब हैं, उनकी 125वीं जयंती 128 देशों में मनाई गई, ये ध्यान रखना।
और ये जितना लोग कह रहे हैं बाबू जगजीवन राम एशिया के सबसे बड़े किसान थे और आजाद भारत में तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक मंत्री रहे, उनके मरने के बाद में उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर उनकी बेटी उनका जन्मदिन मनाना भूल गई थी, तो ये विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर लोगों के घर में बसते हैं, तो लोगों के दिमाग में बसते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम मरने के बाद, परिणत होने के बाद भी मान्यवर हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मरने के बाद में जब वो ना रहे हैं तो उनकी मूर्ति कुछ समय जमाना तोड़ दे, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।